धनबाद जिले के सीजुआ भद्री चक में अचानक एक घर की जमीन धस गई। मकसूद आलम के घर के आंगन में अचानक गोफ बनने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में घर के लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद पीड़ित और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मकसूद आलम यहां के रैयत है, उनकी जमीन अपनी जमीन पे आवास है और यहाँ भू धसान के साथ गोफ बना है। पास में ही टाटा जामाडोबा टिस्को भेलाटार कोलियरी संचालित है, जहाँ कई सालों से कोला निकालने का कार्य चल रहा है। घटना के बाद टाटा प्रबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और घटना के बाद मामले की सूचना टाटा प्रबंधन को दे दी गई है। सूचना मिलने के बाद टाटा कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसका निरीक्षण किया। मशीनों के जरिए गोफ की भराई का काम प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि धनबाद का झरिया बाघमारा एक ऐसा इलाका है जो भूमिगत आग से प्रभावित है और वर्षों से यहाँ जमीन के अंदर आग लहक रही है और जिस कारण हमेशा भूधसान होते रहता है। और आज भी बाघमारा में एक घर के आंगन में अचानक भूधसान हो गया और गोफ बन गया और बाल बाल उस घर के सदस्य बच गए। हालांकि अगर कोई वहाँ पे होता तो आज बड़ी दुर्घटना हो गई रहती। हाँ, आज सुबह में हम लोग जब दरवाज़ा खोले तो देखें गेट के पास जो है लगभग 4 फीट के डायमीटर में गोफ था और अंदर डीप काफ़ी था डीप। तो हम लोग को तो थोड़ा सा दहशत हुआ। मोहल्ले वाले बुलाए सब, उसके बाद फ़ोन किया टाटा कंपनी को, तो वहाँ से ऑफिसर आया अपना मुआयना करके और जो इसका प्रोसेस था कैसे क्या करना है अपना लाइनअप कर काम करवा रहे हैं। कितने बजे हुई कुछ अंदाजा? ये तो अंदाजा नहीं, रात में हुआ होगा, हम लोग तो सुबह में देखे 6 बजे। इसी तरह का अनहोनी हुई थी क्या? ना, वैसा तो घटना आज तक घटा नहीं, लेकिन इसके पहले ही गोप हो चुका है बगल में, वही स्कूल में हुआ था दो बार यहाँ गोप हो चुका है। मैंने कहा जाए तो एक डेंजर जोन में आता है जो बराबर यहाँ हो रही है। हाँ, गोप तो हो रहा है। इसके लिए आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार मानते हैं जो इसे कोयला निकाला अंदर से, कंपनी को। कंपनी को माइनिंग का काम तो वही किया है ना, माइंस का जो काम किया है वो तो टाटा कंपनी यहाँ से किया है, तो जिम्मेवार तो वही होगा। तो आप कंप्लेंट क्या मांगते हैं? कंप्लेंट को सेफ चाहिए हमको, इन फ्यूचर में अगर किसी तरह कुछ घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कंपनी होगी। आपके घर के बाहर ही हुआ है ना? बाहर हुआ। क्या कुछ हुआ? सुनने में आया कि यहाँ पे बड़ा